हेलो फ्रेंड्स दिस इज मैं वेलकम टू लेट्स लर्न तो आज हम बात करेंगे ई एस की वैकेंसी पे आप लोग बहुत दिनों से पूछ रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं कब तक आपको जॉब मिल सकती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जो कि आपको अगले चार से पाँच महीने में मिल सकती है अगर आप सच में बहुत अच्छी आपकी तैयारी है तब तो इस पर बात करेंगे एटोमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी एक संस्था है जो कि गवर्नमेंट की, की एजेंसी है बेसिकली या गवर्नमेंट की संस्था है अगर हम कहें तो इसके जो फॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं आपके 23 मई से ही और 12 जून यानी अगले दो तीन दिन तक फॉर्म फिल हो रहे हैं तो अगर आप में से किसी ने नहीं किया है बाय चांस आपको ना पता हो कि ये वैकेंसी आई है तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए अभी भी फीमेल्स के लिए फॉर्म फ्री है फीमेल्स या फिर वुमेन कैटेगरी वुमेन या फिर कोई भी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका फॉर्म फिलिंग फ्री है बाकी नॉमिनल एक फी है पांच सौ हजार जो भी है अगर आप मेल हैं या किसी कैटेगरी से नहीं है तो अगर हम बात करते हैं वेकेंसीज की तो टोटल वैकेंसीज कुछ दो सौ है यानी सुनने में लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं है बट अगर आपकी सच में बहुत अच्छी तैयारी है तो हम कह सकते हैं कि आप अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं सत्तर वैकेंसी है पी के लिए प्राइमरी टीचर के लिए पी आर टी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए इसमें सीट्स हैं अवेलेबल 205 में और क्वालिफिकेशन uh, क्या चाहिए सीटेड चाहिए नहीं चाहिए कैसे तैयारी करेंगे सारी बातों पे बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है अगर आप बी हैं या फिर अगर हम बात करते हैं आप डीएलएड uh, हैं जो भी बेसिक आपका टीचिंग ट्रेनिंग चाहिए होती है प्राइमरी के लिए वो अगर आपके पास है तो आप ड है प्लस सी टेट आपको चाहिए होगा क्योंकि सेंट्रल की जॉब है तो आपका स्टेट टेट नहीं चलेगा कि आपने यूपी टेट क्वालिफाई किया और आप यहाँ लागू हो वो चीज तो वो काम नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि जो नेसेसरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी कि आपकी टीचिंग ट्रेनिंग चाहे वो बी हो चाहे वो डीएलएड हो चाहे वो बीएलएड हो बीएलएड वाले बेसिकली एलिजिबल uh, नहीं है अगर हम बात करें टीजीटी के लिए पीआरटी के लिए वो एलिजिबल होंगे इसके अलावा अगर हम बात करें तो साथ में आपका सी टेट होना चाहिए तो बेसिक जो नेसेसरी आपकी टीचिंग ट्रेनिंग है प्राइमरी के लिए और आपका सी टेट वही चीज टीजीटी पे लागू होती है कि आपका बी एड प्लस आपका प्लस पेपर टू, एड वाला इसके अलावा पीजीटी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होती है आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें तो फॉर्म फ्री है फीमेल्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट इसके अलावा जो भी अगर आप एस सी एस टी ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विस मैन है या एक्स सर्विस एक पर्सन है अगर मैं कहूँ तो, तो उस केस में फॉर्म का कोई चार्ज है नहीं हम अगर बात करें तो ये बहुत फास्ट तरीके से काम करती है मतलब अगले चार पांच महीने में आपके हाथ में जॉब हो सकती है तेईस मई से लेकर बारह जून तक फॉर्म फिलिंग फिर जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा और जुलाई एंड तक या फिर अगस्त में जाकर के कहीं आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और अगले कुछ एक दो महीने बाद फिर इंटरव्यू जैसी एक चीज है जिसको ये स्किल टेस्ट कहते हैं उसके बाद अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपके हाथ में जॉब होगी तो जिन लोगों की तैयारी जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे थे डी प्लस बी की तैयारी कर रहे थे सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे और तैयारी अच्छी है वो अपने आपको यहां आजमा सकते हैं या तो आपके हाथ में जॉब होगी अगले चार पांच महीने में या फिर एक्सपीरियंस होगा तो फॉर्म तो एटलीस्ट फिल कर ही दीजिएगा अगर हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की तो एज यहां पर प्राइमरी टीचर के लिए तीस साल ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए पैंतीस साल और पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए लेक्चर जिसको हम कहते हैं स्कूल में चालीस साल ठीक है फोर्टी ईयर्स ऑफ एज इसमें एक कैच है जो कि बहुत ही अच्छी बात भी कह सकते हैं हम कि फीमेल्स के लिए टेन ईयर रिलैक्सेशन है वुमेन वुमेन के के लिए के लिए ईयर रिलैक्सेशन मतलब अगर आप तीस साल के हैं तीस साल तक नॉर्मल केस में एक इंसान जो है वो फॉर्म फिल कर पाएगा और अगर आप फीमेल हैं तो आप चालीस साल तक भी प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो दस साल फीमेल रिलैक्सेशन है या वुमेन कैटेगरी में रिलैक्सेशन है अगर हम बात करें ठीक है इतनी बात क्लियर कोई दिक्कत परेशानी हमें नहीं है इस बात को समझने में फटाफट से बढ़ते हैं आगे एग्जाम पैटर्न की जब हम बात करेंगे तो ये जो पेपर होगा ये होगा आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आजकल सारे एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं इवन आपका टी भी अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तो ये हंड्रेड मार्क्स का पेपर है आपका सौ नंबर का पेपर होगा और अगर हम बात करें आपके पास डेढ़ सौ मिनट होंगे यानी ढाई घंटे का पेपर और सिर्फ हंड्रेड क्वेश्चन या हंड्रेड मार्क्स का पेपर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे जैसे कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न प्रश्न आप बाकी सभी एग्जाम्स में भी देखते ही हैं तो एमसीक्यू बेस्ड होंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में पूछे जाएंगे सब्जेक्ट्स को लेकर क्लैरिटी नहीं होती है बट हम उस पर बात करेंगे अभी इसमें सिक्सटी परसेंट का क्राइटेरिया है कि आप अगर साठ परसेंट नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं जैसे सी टेट में होता है कि आप क्या है क्वालिफाइड हैं आगे जाने के लिए मतलब सौ में से सौ नंबर में से अगर आपके साठ नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाइड हो गए लेकिन क्योंकि जो ऊपर के लोग होंगे जो रैंक में मान लीजिए अगर किसी के नाइनटी आ रहे हैं तो वो शुरुआत के जितने लोग होंगे उनमें से ऊपर वाले लोगों को बुलाया जाएगा जिनका स्कोर ज्यादा होगा ऐसा नहीं है कि हर सिक्सटी वाले व्यक्ति को बुलाने का मौका मिल जाएगा 60 जिसके मार्क्स हैं उसको बुलाया ही जाएगा ठीक तो वो बेसिकली डिपेंड करेगा कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं नो नेगेटिव मार्किंग जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है तो एक तो ये टेस्ट दे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी दूसरा अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई तो ये बेसिकली तीस स्कूल है पूरे इंडिया में पंद्रह जगह पर और दिल्ली के आसपास अगर हम बात करें तो नरोरा नरोरा जो कि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो वही एक सेंटर मुझे नजर आया बाकी तो अलग अलग जगह पे हैं महाराष्ट्र से लेकर के तेलंगाना से लेकर के और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी मीन्स पंद्रह जगहों पर ठीक और तीस स्कूल हैं टोटल तो ये एक तरह से आप वहीं रहेंगे और वहीं पे आप अपने टीचिंग सर्विस देंगे और सरकारी नौकरी आपकी होगी नो और गो बेसिस होगा यानी इसके मार्क्स तो तय नहीं है कुछ बट या तो आप सेलेक्ट होंगे या फिर आप सेलेक्ट नहीं होंगे ठीक तो ये बेसिकली आपको इंटरव्यू कॉल तक या स्किल टेस्ट तक पहुंचाने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसके बाद आपका जो सारा खेल है वो स्किल टेस्ट का होगा उस पर चर्चा करेंगे दोनों चीजों पर एक एक करके बात करेंगे सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये जो सीबीटी टेस्ट है सौ नंबर का जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ढाई घंटे का टाइम है आपके पास जेनरिक सब्जेक्ट्स है अगर हम बात करें तो टीचिंग मैथडोलॉजी या पेडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं बीस नंबर तीस नंबर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है बट हाँ इतने नंबर में तो आएगा ही आएगा ज्यादा भी आ सकता है क्योंकि पीआरटी के लिए तो सब्जेक्ट भी यही है ठीक अगर हम बात करते हैं मैथ्स की या न्यूमेरिकल एबिलिटी जो बेसिक कैलकुलेटिव मैथ्स है आपका रीजनिंग यानी जो आपकी तर्क क्षमता है इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश ये लैंग्वेजेस भी पूछी जाती हैं हालांकि सिलेबस में एग्जैक्टली exactly मैंशन नहीं है तो बुक्स कौन सी लें कोर्स कौन सा लें कोई भी कोर्स कोई भी बुक अभी तो एटलीस्ट मत लीजिए क्योंकि पेपर में ही आपके पास मुश्किल से दो महीने का समय है अगर हम बात करते हैं मीडियम की तो ये जो एग्जाम होगा ये इंग्लिश मीडियम में होगा ये क्या होगा इंग्लिश मीडियम में होगा ऐसा नहीं है कि आप सीटेट की तरह बाइलिंग्वल दे पाएंगे पेपर आपके सामने सारे क्वेश्चंस जो हंड्रेड के हंड्रेड क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में होंगे ये जो हंड्रेड मार्क्स के क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे तो आपको एटलीस्ट उतना वेलवर्स well कह लीजिए उतना आपको आनी चाहिए इंग्लिश के आप समझ पाए और इंटरव्यू में भी वो चीज आपको फिर काम आएगी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक जो आपके मैं आपको कुछ कर दूंगी या आप से ले सकते हैं नहीं तो टेलीग्राम मैं शेयर कर दूंगी ठीक है जिससे आपको आइडिया लगेगा हालांकि इनका जो पैटर्न है बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है लेकिन फिर भी बेसिक जो आपके क्वेश्चन है तो या तो आप प्रीवियस ईयर सोल्व करें बेसिक बुक्स बेसिक सब्जेक्ट जो आप तैयार कर रहे हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं और अच्छे से तैयार करें अलग अलग पेपर आप ट्राई कर सकते हैं जैसे केवीएस के प्रीवियस ईयर कर लिए डीड प्लस बी के प्रीवियस ईयर कर लिए जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनके ताकि आपको हेल्प मिले अब हिंदी इंग्लिश है तो अगर दस नंबर में भी आए फिर भी पढ़ना तो सारा ही पड़ता है हमें एक तरह से सारे टॉपिक्स ही आ जाते हैं ऑलमोस्ट आते हैं स्किल टेस्ट पे स्किल टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहां सिक्सटी परसेंट तो एटलीस्ट आपको लाने हैं अदरवाइज कोशिश कीजिए जितना ज्यादा नंबर ला पाए उतना अच्छा है है ना अगर हम बात करते हैं यहाँ तो जो स्किल टेस्ट है या जो इंटरव्यू टेस्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं एक तरह से इसमें कुछ एक्टिविटीज आपसे कराई जाएंगी और आपसे एक बेसिकली डेमो लिया जाएगा टीचिंग का कि आप पढ़ा के दिखाएं कोई रैंडम टॉपिक हो सकता है कोई चोजन टॉपिक हो सकता है वो डिपेंड करेगा ठीक ये गो और नो बेसिस पे होता है दैट यहाँ पे ना तो आपको कोई मार्क्स का क्राइटेरिया है कि कितने मार्क्स का होगा कितने मार्क्स चाहिए जैसे केंद्रीय विद्यालय में होता है यहाँ ऐसा कुछ नहीं है या तो आप सेलेक्ट होंगे या तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे या तो आपके पास कॉल लेटर आएगा या वेबसाइट पे एक आपको वो दिख जाएगी लिस्ट आपकी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की या फिर आपको नहीं पता लगेगा कितने मार्क्स हुए कितने आए कैसा आपने किया ठीक तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मान लीजिए वैकेंसी है सेवनटी तो जो सत्तर पोस्ट है उसका पांच गुना स्किल टेस्ट के लिए लोग बुलाए जाते हैं मतलब सत्तर वैकेंसी है तो आप पांच से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि साढ़े तीन सौ चार सौ लोगों को बुलाया जाएगा और उसके बाद उनमें से सत्तर लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा तो कॉम्पिटिशन टफ है कह सकते हैं वो तो वैसे भी आजकल है ही क्योंकि रिसोर्सेज इतने हैं अवेयरनेस ज्यादा है तो उसके इसमें पांच गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो इसमें आप ध्यान रखिएगा अगर आपके सिक्सटी मार्क्स हैं तो बिल्कुल चांस ऑलमोस्ट ना के बराबर है कि आपको बुलाया जाए क्योंकि जो ऊपर के लोग हैं मान लीजिए किसी के नाइन्टी मार्क्स हैं किसी के एट्टी मार्क्स हैं तो उस हिसाब से लिस्ट में से शुरुआत के पांच गुना लोगों को बुलाया जाएगा इतनी बात क्लियर है कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए अगर हम बात करें एग्जाम कब तो अगेन जैसे ये 12 जून तक फॉर्म फिलिंग है तो नेक्स्ट मंथ या तो जुलाई में या अगस्त में टेंटेटिव जो है या तो जुलाई एंड में मोस्ट प्रॉबेबली तो जुलाई एंड या फिर जुलाई एंड और अगस्त

थे या आप चाह रहे थे कि इस पर वीडियो बने तो मैंने वीडियो आपके सामने शेयर तो कर दिया है इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखी है होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं चैनल को टीचिंग एग्जाम्स की हम बात करते हैं पेडोलॉजी की हम बात करते हैं और सीखते रहते हैं साथ में मैं और आप सब मिल करके थैंक यू सो मच